आर किचन शेप में आप सभी का स्वागत है। आज हम कच्चे आलू से सब्जी बनाएंगे। ये सब्जी बहुत झटपट बन जाती है। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आए हो तो आप तुरंत ये सब्जी बनाकर उनका स्वागत कर सकते हैं। ये सब्जी सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कच्चे आलू से सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने कुकर को रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये झटपट आलू की सब्जी बनेगी। इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये सब्जी बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जब भी जल्दी में हो ये सब्जी बना लें। आपके घर अगर एक आए कोई मेहमान आ जाए तो आप ये सब्जी बनाकर खिला सकती हैं। अब देखिए, ये तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें दो लाल मिर्ची डालेंगे। देख रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, अब हम दो हरी इलायची डालेंगे, चार लौंग डालेंगे, चार काली मिर्च, छोटी सी दालचीनी, थोड़ा सा जीरा और 8-10 मेथी के दाने। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, डाल देते हैं। थोड़ी सी इसे भून लेंगे हल्की गुलाबी हो जाने तक। आप देख रहे हैं, एक मीडियम साइज प्याज, तो हम गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज में थोड़ी सी नमक डाल देंगे। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे प्याज जल्दी गल जाएगी। देखिए मेरी प्याज गल रही है, कितनी अच्छे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। देखिए दोस्तों, तो इसी तरह से चला चला के हम इसे थोड़ा सा और गला लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्याज हो गया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सारे मसाले डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो हरी मिर्च कटी हुई। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये हमारे मसाले जले ना, इसके लिए हम इसमें थोड़ी थोड़ी पानी देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मसाला भून गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। तेल जब मसाले से अलग हो जाए तो मसाला भून गया है, समझिए। अब हम इसमें आलू डालेंगे, फिर इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए दोस्तों, देखिए हमारी सब्जी भून रही है। अब हमारी आलू भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे।
आपको जितना रस रखना हो उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। हम इसमें आलू के डूबने लायक पानी डाल रहे हैं और एक सीटी लगाने तक हम इसे पका लेंगे। अगर एक सीटी में आलू पूरी तरह से पक गया है, नहीं तो फिर से आप उसे देख लें और फिर एक सीटी और लगा दें। आप देख रहे हैं दोस्तों मेरी सब्जी का कलर कितना बढ़िया है। और इसमें हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं किए हैं, टमाटर भी नहीं डाले हैं, अदरक भी नहीं डाले हैं, हरा धनिया भी नहीं डाले हैं, क्योंकि सारी सब्जियां अभी लॉकडाउन का टाइम है तो मार्केट में उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब हम इसे बंद कर देते हैं और एक सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए दोस्तों, अब मेरा तो अब हम इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसे कुकर को ठंडी होने देते हैं। अब हमारी कुकर ठंडी हो गई है। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं हमारी सब्जियां कैसी बनी है। देखिए सब्जी बहुत अच्छी बनकर तैयार है और 10 मिनट में ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आप झटपट से ये सब्जी बना सकते हैं। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।